जय हिंद साथियों, स्टूडेंट हेल्प में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ढेर साथियों, बात करने वाले रेलवे भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में। जी साथियों, जैसे आप लोग पता है कि अभी तक रेलवे भर्ती परीक्षा 2020 की एग्जाम डेट साथियों नहीं जारी की गई है, लेकिन साथियों रेलवे भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग साथियों एक मतलब नोटिस जारी की गई, जो आपका दिल्ली का प्रदर्शन साथियों वो काफ़ी कम कर रहा है, ठीक है। तो उस नोटिस में साथियों क्या क्या बताया गया मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। तो साथ ही जैसे आप लोग पता है कि दिल्ली में काफ़ी बच्चे प्रदर्शन करेंगे, कुछ फोटोज है जो मैंने खुद अपने मोबाइल कैमरे से क्लिक किया है। तो साथियों ये फोटोज आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं कनॉट प्लेस दिल्ली में, जा सकते हैं प्रोटेस्ट में साथियों, शामिल हो सकते हैं, तभी साथियों आपकी एग्ज़ाम डेट भी तुरंत जारी कर दे कर दी जाएगी, ठीक है। तो उस नोटिस में साथियों क्या क्या बताया गया आपको मैं पढ़ के बताने वाला हूँ। उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना, ऐसे मतलब कि रेलवे की पल पल अपडेट पाने के लिए। तो चलिए साथियों फिर देखते हैं नोटिस में क्या बताया गया है। तो साथियों ये रही मतलब कि नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर की तरफ से, साथियों ये अजमेर बोर्ड की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है। तो साथियों इस नोटिस में पूरा मैंने पढ़ लिया है, तो इस नोटिस में ये बताया गया है कि जो कंडक्टिंग मतलब कि टेंडर कंडक्टिंग है साथियों वो, तो साथियों इस मतलब कि आप देख सकते हो नोटिस ऑफ द इन्वाइटिंग ई टेंडर फॉर द एजेंसीज एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA, मतलब कि ECA का जो मतलब कि टेंडर कंडक्ट करेगी, जो आपको एग्ज़ाम करवाएगी साथियों, उसको टेंडर मतलब कि करने के लिए एक नोटिस साथियों जारी कर दी गई, ठीक है। ओपन द टेंडर इन द टू पैकेट सिस्टम इनवाइटिंग बाय द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एजेंसी ECA फॉर द कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT वेरियस पोस्ट नोटिफाइड बाय द RRB अंडर द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 03/2019, ठीक है। तो जो साथियों मतलब कि आप यहाँ पे इस साइट पे जाके देख सकते हैं कि टेंडर में क्या क्या बताया गया है, तो इस साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट से 20,000 रुपये और अप्रोमेटिक कॉस्ट ऑफ वर्क 2.14 करोड़ रुपये। तो इतना सा तो आप ये पूरा देख सकते हैं जो मतलब कि बताया गया है, मतलब कि साफ साफ जो इसमें मेन बात है साथियों, उसमें बताया गया कि टेंडर मतलब कि इनवाइट करने के लिए साथियों टेंडर जो आपको एग्ज़ाम करवाएगी जिससे उसको अभी ये लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि टोटल एक साल आपका फॉर्म भरे हुए साथियों हो गया, एक साल पूरा फॉर्म भरे हो गया, लेकिन साथियों अभी तक इनको कहीं भी टेंडर नहीं मिला, ठीक है। इतना स्लो काम साथियों ये लोग मतलब कर रहे हैं, ठीक है। तो साथियों ये रही पूरी नोटिस, इस नोटिस बताया गया कि आपके टेंडर मतलब कि एग्ज़ाम करवाने के लिए हम लोग खोज रहे हैं, देखते हैं कितने सालों तक ये खोजते रह जाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो लाइक कर देना, चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना रेलवे की पल पल अपडेट पाने के लिए। तो चलिए साथियों फिर वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ। तो जैसे साथियों कोई और नोटिस टेंडर की रिगार्डिंग जारी होती है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता दूंगा, ठीक है।